इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपके लिए आपकी सेहत के बारे में ऐसे मजामीन पेश करती है जिनके जरिए आपकी रहनुमाई होती है और आप बहुत सारे मसाइल को जो कि आमतौर पर रोज़मर्रा में देखते हैं उन चीज़ों से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल के दौर में जदीद दौर में इतने मसाइल आ गए हैं कि ताज्जुब ये होता है कि इंसान ज़िंदा कैसा है, मगर आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग जो है किसी की मौत के ऊपर ये ताज्जुब करते हैं कि हाँ वो कल तो वो ठीक थे और आज जो है उनकी मौत वाक़ हो गई। इस तरह के मसाइल बहुत सारे जो हैं वो इस तरह आते हैं और उनके लिए कुछ टेस्ट भी लेबॉरेटरी टेस्ट भी मौजूद हैं जिनके ज़रिए इंसान बच सकता है ऐसे मसाइल से जिसमें इंसान ठीक ठाक नज़र आता है मगर उसकी एकदम मौत वाक़ हो जाती है। ऐसी खौफनाक कहानियां हम में से अक्सर लोगों ने सुन रखी होंगी। मसलन कोई शख्स अपनी उम्र के 40वीं दहाई में था और देखने में सेहत भी बिल्कुल ठीक ठाक थी और एक सुबह मामूल की चहलकदमी के दौरान ज़मीन पर गिर पड़ा, फिर कभी ना उठ सका। या हमारी बहुत ही प्यारी अजीज़ा को अचानक एक दिन मालूम हुआ कि उसे कैंसर है, लेकिन इस वक्त तक इतनी ताखीर हो चुकी थी कि इलाज मुमकिन ना रहा। ऐसी कहानियां सुनकर हम हैरत के समंदर में डूब जाते हैं, सोचते हैं क्या कोई ऐसी सूरत है कि हम इस किस्म की सूरत हाल से महफूज रहें। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। तिब्बी माहिरीन हमें 5 ऐसे जदीद तरीन मेडिकल टेस्ट के बारे में बताते हैं जो पोशीदा टाइम बम जैसे कैंसर और इमराज कल्ब का इस खतरनाक घड़ी के आने से पहले सुराग लगा सकते हैं। सीडीटी टेस्ट से फेफड़ों के सरतान की तशखीश होती है। खून के इस टेस्ट में ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज कीमियाई मादों की सतह नापी जाती है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला हमारे जिस्मानी मुदाफियती निज़ाम फेफड़ों के कैंसर के प्रोटीन का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। ये प्रोटीन्स एंटीजेंस कहलाते हैं। कैंसर फैलने से पहले ये ऑटो एंटीबॉडीज खून में नजर आने लगती हैं। लिहाजा इस टेस्ट के जरिए फेफड़े के सरतान की अलामत जाहिर होने से पहले इसका पता चल सकता है। इंतहाई जदीद CDT लंग टेस्ट से 90% दुरुस्त डायग्नोसिस या तशखीस की जा सकती है। इब्तदाई मरहले में इस कैंसर की तशखीस हो सकती है। फेफड़े का सरतान शाज़ो नादिर ही इब्तदाई मरहले में पकड़ा जाता है। जब रसूलियों को ऑपरेशन के जरिए अलग करना मुमकिन होता है, फिलहाल फेफड़े के सरतान के 16% मरीज 5 साल का अरसा निकाल सकते हैं। ताहम इस नए टेस्ट से जहां मर्ज के बरवक्त डायग्नोसिस या तशखीस मुमकिन होगी, वहीं उनकी जिंदा रहने की शरह भी बढ़ जाएगी। अमेरिका में इस टेस्ट के लिए $475 वसूल किए जाते हैं। कोरस CAD टेस्ट से शरीयनों में रुकावट का सुराग लगाया जाता है। यह भी खून के नमूने के जांच वाला टेस्ट है। एरिजोना के हार्ट एंड वास्कुलर सेंटर में इस साल CAD टेस्ट का आगाज किया गया। इस मरकज के मेडिकल डायरेक्टर एलन ग्रॉस मैन के मुताबिक ये वाहिद टेस्ट है जो खलियात यानी कि सेल्स और सालमो मॉलिक्यूल्स की सतह की हद तक हमें यह पता बता सकता है कि शरीयानों की सूरत हाल क्या है। इसमें किसी किस्म की खराबियां पैदा हो रही हैं। इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने ऐसे बहुत से मरीजों के दिल की कई शरीयानों में खतरनाक किस्म की बीमारियों का पता चलाया है जिनका इस टेस्ट के बगैर सुराग लगाना मुमकिन नहीं था। लेबॉरेटरी में खून के नमूनों की स्क्रीनिंग के दौरान इन 23 जीन्स की मौजूदगी देखी जाती है
जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो शरीयानों के तंग होने या बंद होने की जिम्मेदार होते हैं। दिल के शरीयानों में अगर किसी रुकावट के बायस दौराने खून मुतासिर हो रहा हो तो इसकी अहम तरीन अलामत सीने में दर्द और ये दर्द या बेचैनी उस वक्त होती है या बढ़ती है जब मरीज कोई मशक्कत वाला काम करता है। जिन लोगों के खानदान के दीगर अफराद में इमराज कल्ब या हार्ट अटैक के वाकयात हो चुके हैं वो भी इस टेस्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। अमेरिका में इस टेस्ट की लागत 1000 से ज़्यादा डॉलर है। आंतों के कैंसर की तशीस के लिए वर्चुअल कोलोनोस्कोपी। आंतों के निचले हिस्से के सरतान कोलोरेक्टल कैंसर सरतान को कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। अमेरिका में यह दूसरे नंबर का जानलेवा कैंसर है जिसकी अगर बरवक्त तशखीस या डायग्नोसिस हो जाए तो 90% मरीज सेहतयाब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस वक्त वहाँ तकरीबन 40% मरीज ऐसे हैं जिनकी बीमारी तीसरे या चौथे मरहले में दाखिल होने के बाद सामने आई। वर्चुअल कोलोनोस्कोपी रवायती कोलोनोस्कोपी से ना सिर्फ ज़्यादा आरामदेह है बल्कि इसमें मरीज को बेहोश करने और बड़ी आंत में छेद का खतरा भी नहीं होता। वर्चुअल कोलोनोस्कोपी में एक सीटी स्कैन जदीद तरीन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए बड़ी आंत के सजेती तस्वीर थ्री डी इमेजेस यानी थ्री डायमेंशन इमेजेस दिखाता है जिसमें मोलेजीन यानी डॉक्टर आंतों की अंदरूनी सतह पर उभरे हुए दाने और सरतानी रसोलियां तलाश करते हैं। 10 से 15 मिनट के इस अमर में तापकारी की मकदार भी कम इस्तेमाल होती है। यह मकदार रवायती एक्सरे के इस्तेमाल होने वाली तापकारी जितनी होती है। वर्चुअल कोलोनोस्कोपी का एक फायदा यह भी है कि चूंकि इसमें पेट के तमाम निचले हिस्से बशमूल पेल्विस की स्कैनिंग भी की जाती है, इस तरह ख्वातीन की बेजदानियों यानी ओवरीज मर्दों के प्रोस्टेट के हुदूद की मुमकिना खराबियां भी सामने आ जाती हैं। इस टेस्ट में 500 से 1000 डॉलर तक खर्च होते हैं। ये टेस्ट 50 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स के लिए तजवीज की जाती है। ताहम अगर खानदान में पहले किसी को 45 साल की उम्र में आंतों की कैंसर की डायग्नोसिस हो चुकी है तो फिर 10 साल पहले यानी कि 35 साल की उम्र में ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। सीआरपी टेस्ट से शरियानी दीवारों में सोजिश का पता लगता है। सीआरपी का मतलब है सी रिएक्टिव प्रोटीन। जिस्म में अगर सोजिश पैदा हो तो हमारा जिगर एक खास किस्म का प्रोटीन तैयार करने लगता है जिसे सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में सीआरपी कहते हैं। सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन दीगर खराबियों के अलावा दिल की बीमारियों का भी इशारा देता है क्योंकि पुरानी सोजिश से शरियानी दीवारों की अंदरूनी सतह को नुकसान पहुंचने लगता है। जदीद तरीन किस्म का HSCRP चौंके बेइंतहा हसास होता है, इसलिए खून में इस प्रोटीन की इंतहाई मामूली मकदार का भी सुराग लगा लेता है। इस तरह एक सेहतमंद शख्स में भी सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन का पता लगाकर उसे मुस्तकबिल में इमराज कल्ब से बचाया जा सकता है। दिल की बीमारियों की इब्तदाई तशीस के लिए ये वो पहला नया और उमूमी स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसकी सिफारिश अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के ने गुज़िश्ता 20 साल में की है। इसकी वजह से HSCRP ने दिल के चेकअप को मजीद एक कदम आगे बढ़ा दिया है और इसकी मदद से आप ज़्यादा दुरुस्त तरीके से ये पेशेंगोई की जा सकती है कि कौन मुस्तकबिल में हार्ट अटैक फॉलेज और ज़ियाबतीस के खतरे से दो चार हो सकता है। HSCRP खून का टेस्ट है
जिसके साथ ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, और लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और चिकनाइयों की सतह भी जांची जाती है। चूंकि बाज दीगर बीमारियों में मसलन आर्थराइटिस और पुराने इन्फेक्शन वगैरह में भी सोजिश पैदा हो जाती है, लिहाजा अगर किसी शख्स में ये खराबियां भी हों तो फिर HSCRP से फ़ायदा उठाना मुमकिन नहीं होगा। इस टेस्ट में के लिए 40 से 70 डॉलर तक कीमत वसूल की जाती है। जिनियाती तजिया, जेनेटिक एनालिसिस या जिनियाती तजिये के जरिए दरअसल इंसान के लगभग 100 इम्तियाजी खसूसियात की जांच की जाती है, जिसमें एक जिनियाती यानी कि जेनेटिक ब्लूप्रिंट के जरिए एक जामे जीनोटाइप हासिल किया जाता है। यह जीनोटाइप इस बात की पेशेंगोई कर सकता है कि मजगूरा शख्स आइंदा किस किस्म की बीमारियों या जिस्मानी खराबियों का शिकार हो सकता है। जीनोटाइपिंग से ये मालूमात भी हासिल की जा सकती है कि बाज़ दवाओं मसल खून पतला करने वाली दवाओं को जिस्म किस अंदाज में कबूल कर सकता है, और यह भी मालूम किया जा सकता है कि मुतल्लका शख्स बाज मखसूस जिनियाती यानी जेनेटिक खराबियों का हामिल तो नहीं है। जेनेटिक तजिये के अहमियत यूं है कि इसकी मदद से यह मालूम किया जा सकता है कि बाज मखसूस किस्म के कैंसर, अल्जाइमर, ज़ौफ़ बसारत और दीगर खराबियों का खतरा कितना बढ़ा हुआ है। फेफड़े का सरतान और ज़ियाबतीस जो गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी से लाहक होता है, अगर इससे पेश की आगाही हो जाए तो लाइफ स्टाइल को तब्दील करके इन मौलिक बीमारियों से बचा जा सकता है। अमेरिका में जीनोटाइपिंग के लिए मुतल्लका फर्द के थूक का नमूना एक मखसूस ट्यूब में जमा करके उसे जदीद जेनेटिक टेस्टिंग लेबॉरटरी भेजा जाता है, जहां इसके DNA का तजिया किया जाता है। नतीजे मिलने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और इसका कुल खर्च अमेरिका में तकरीबन 400 से 500 डॉलर होता है। यह हमने आपको कुछ ऐसे टेस्ट बताए हैं, हालांकि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, मगर आइंदा दौर में ये लाजमी तौर पर इनके ऊपर अखराजात लाजमी तौर पर कंपनियां कोशिश करेंगी कि इनके अखराजात कम किए जाएं, ताकि इनकी इफादियत अवामुन नास तक पहुंच सके और हर फर्द इनको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हो सकती हैं और जो आसानी से पहले से डायग्नोस हो सकती हैं उनको पता लगा सके और उनसे बच सके।